यूनानी कैंप मुस्तैदपुरा गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी मुस्तैदपुरे पे आज 11 बजे शुरू हुआ। डॉक्टर कौसर मोहिउद्दीन साहब इनाग्रेशन करें। ये कैंप हमारे डायरेक्टर आलू वर्षिनी IAS डिपार्टमेंट ऑफ आयुष डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने हिदायत पे पूरे ट्विन सिटीज़ में हम 8 से 10 कैंप करने वाले हैं। और ये सिर्फ यूनानी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार हैदराबाद और निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए ये कैंप्स चलाए जा रहे हैं। और इस कैंप्स में हम तकरीबन तमाम डिजीज़ के बीमारियों के लिए दवाएं और आजकल जर्रा जो फ्लू चल रहा है उसके लिए दवाएं दे रहे हैं और कोविड के लिए भी हमारे पास दवाएं हैं। लास्ट टाइम कोविड कैंप हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हम यूनानी दवाएं इम्यूनिटी के लिए यूनानी दवाएं पूरे कैंप बना के हमारे डायरेक्टर के हिदायत के मतलब हिदायत से पूरे तेलंगाना में हम उसको सप्लाई करें और हैदराबाद में मखसूस कैंप्स रखे उसके लिए। और उसी सिलसिले में उसे करते हुए अब ये यूनानी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए ये कैंप्स चला रहे हैं, जिसमें तकरीबन तमाम बीमारियों के लिए तमाम बीमारियों का इलाज किया जाएगा। तो वायरल अभी सख्त में ज़्यादा वायरल फ्लू वायरल फीवर चल रहा है, खांसी सर्दी बुखार ज़्यादा हो रहा लोगों को अभी ये चीज़ को हम लोगों को बताने के लिए कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क इस्तेमाल करें और गैदरिंग ना करें ज़्यादा, और इम्यूनिटी के मतलब ताकत के लिए दवाएं इस्तेमाल करें जो हम यूनानी दवाखानों में सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। कैंप करने वाले हैं हर जगह, एक दिन रहेगा कैंप, उसके बाद हम इसके लिए उसको आगे फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल चार मीनार को रेफर कर रहे हैं पेशेंट्स को। एडमिट होने वालों के लिए जनरल मेडिसन हम खुद दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसन सप्लाई हो रहा है।